आप सबको हमारा दोनों का नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। दिल्ली में हवा काफ़ी ख़राब हो गई है, प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके कई सारे पहलू हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये समस्या केवल दिल्ली की नहीं है, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है। पूरे उत्तर भारत में दिल्ली, चरखी दादरी, रोहतक, भिवानी, गुड़गांव, बहादुरगढ़, जींद, मानेसर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद और राजस्थान में भिवाड़ी, इन सभी शहरों में हवा सीवियर कैटेगरी में है। जितनी ख़राब दिल्ली में उतनी ख़राब इन सभी शहरों में है। इसके अलावा धारूहेड़ा, कैथल, बल्लभगढ़, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, नारनौल, कुरुक्षेत्र, बागपत, मेरठ, कानपुर और बिहार में मोतिहारी, बेतिया, कटिहार, इनमें वेरी पुअर कैटेगरी में है। तो ये समस्या पूरे उत्तर भारत की समस्या है प्रदूषण की, और ज़ाहिर तौर पे इस पे इसमें केवल आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, केवल केजरीवाल इसका जिम्मेदार नहीं है, केवल दिल्ली और पंजाब की सरकारें इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं, कई लोकल कारण हैं, कई रीजनल कारण हैं। एक राज्य की हवा एक राज्य में नहीं रहती, इधर से हवा उधर जाती है, उधर से हवा इधर आती है। तो जैसे हम कई बार कह चुके हैं कि इसमें केंद्र सरकार को आगे आके इसके ऊपर स्पेसिफिक कदम उठाने पड़ेंगे ताकि पूरे उत्तर भारत को प्रदूषण से बचाया जा सके। ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पंजाब में और दिल्ली में हमारी सरकार है, ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है, उससे समाधान नहीं निकलता। हम करते रहे राजनीति, वो कहते रहे केजरीवाल जिम्मेदार है, हम कहते रहे वो जिम्मेदार है, इससे कोई समाधान तो नहीं निकलता, जनता को इससे फ़ायदा तो नहीं होता, जनता को तो समाधान चाहिए। पंजाब में पराली जल रही है, हम मानते हैं पंजाब में पराली जल रही है, इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है, किसानों को समाधान चाहिए। किसानों को जिस दिन समाधान मिल जाएगा वो पराली जलाना बंद कर देंगे, क्योंकि दिल्ली तक जब पराली का धुआं पहुंचता है उसके पहले तो उस किसान के खुद के घर में वो धुआं जाता है, उसके बच्चों के धुआं जाता है। तो उसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है, पंजाब में हमारी सरकार है। अगर पंजाब में पराली जल रही है उसके लिए हमारी सरकार जिम्मेदार हैं। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि पंजाब में अगर पराली जल रही है, अभी हमारी सरकार को बने हुए 6 महीने हुए हैं, 6 महीने बहुत छोटा पीरियड होता है, बहुत सारी समस्याएं थी पंजाब की, उन सारे बहुत सारे माफिया काम कर रहे थे पंजाब में, उन कई सारे माफियाओं को कंट्रोल किया है। इसके ऊपर भी मान साहब की सरकार ने कई कदम उठाए हैं, वो अभी आपके साथ शेयर करेंगे। पराली के ऊपर पहला साल था, कुछ महीने का चंद टाइम मिला, कुछ कदमों में कुछ सफलता मिली, काफ़ी सफलता नहीं मिली, और मुझे उम्मीद है कि अगले साल तक, जब अब लगे हुए हैं इस पे, अगले साल तक पराली के जलने का इंसिडेंस काफ़ी कम होगा। कई सारे कदम उठाए जाएंगे, स्पेसिफिक कठोर कदम उठाए जाएंगे, किसानों के साथ मिलकर कदम उठाए जाएंगे, लेकिन हम इसमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहते। पंजाब के अंदर अगर पराली जल रही है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हमारी सरकार जिम्मेदार है। इसमें मान साहब की सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने बोला, ये नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। किसान खुद भी पराली नहीं जलानी चाहता, लेकिन क्योंकि अगली फसल और धान और गेहूं की फसल में सिर्फ और सिर्फ 10-12 दिन का गैप है, तो वो 10-12 दिन में अपने खेत से पराली को कहीं इधर उधर भी नहीं कर सकता, तो उसके पास माचिस की तीली है बस। हमने 1,20,000 के आसपास
जो मशीनें दी जो पराली को बीच में ही ज़मीन के बीच में ही खपत कर देती हैं। PAU ने एक ऐप बनाई, जैसे आप ऊबर ओला की कैप ऐप देखते हो कि आप उस पर अगर टच करते हो तो आपको आपके रीजन में 2-3 किलोमीटर की रेंज में जितने भी मशीनें अवेलेबल हैं, ट्रैक्टर अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाके कॉन्टैक्ट नंबर सहित उसमें आ जाते हैं। हमने गुरुद्वारा साहब जो गांव में हैं वहाँ पे बार बार हमने वहाँ गुरुद्वारा साहब में अनाउंसमेंट्स करवाई कि पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। गुरु नानक साहब ने पवन को गुरु का दर्जा, पानी को पिता का दर्जा और धरती को माता का दर्जा दिया। ये तीनों दर्जे हमने कायम रखने हैं। इसके अलावा भी हमने बहुत सी पंचायतों को इनकरेज किया। मेरे पास आंकड़े हैं कि 124 गांव, 120 गांव, 93 गांव, उन्होंने इकट्ठे होके अपनी अपनी पंचायत बुला के ये मता पास किया ग्राम पंचायत ग्राम सभा में कि हम लोग पराली नहीं जलाएंगे। तो पराली नहीं जलाना चाहता किसान। हाँ, अगर जल रही है, धुआं उठ रहा है, तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हम कोई जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे, जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, लेकिन इसको मिल बैठ के हल करना पड़ेगा। जैसा कि अरविंद जी ने बोला कि हमारे पास इतना कम समय था, इतने कम समय में दोनों फसलें आ गई। 16 मार्च को सेरेमनी थी, बस 15 दिन बाद गेहूं आ गया, बिल्कुल गेहूं के बाद धान आ गया। धान की प्रोक्योरमेंट में कोई कमी नहीं है, लिफ्टिंग में कोई कमी नहीं है, किसान को पैसे मिलने में कोई कमी नहीं है, बल्कि घंटों में ट्रांसफर हो रहे हैं पैसे। लेकिन अगर हम ये शान से कहते हैं कि इस साल पंजाब में, हरियाणा में या देश में इतने लाख मीट्रिक टन धान पैदा होगा, रिकॉर्ड टूट जाएंगे, तो हम उस बात को तो शान से कहते हैं। लेकिन हम उस समय ये भी हमें याद रखना चाहिए सरकारों को कि अगर धान के रिकॉर्ड टूट रहे हैं तो पराली के रिकॉर्ड भी टूटेंगे, उतनी पराली भी तो आएगी। तो हमने अभी क्योंकि समय कम था, फिर भी हमने बायो एनर्जी का इंडिया का पहला प्लांट बर्वियो कंपनी है जर्मनी की, उलहरागागा के पास माननीय केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी वहाँ पे आए थे, उद्घाटन किया। वो एक प्लांट जो है 47,000 एकड़ की पराली उठा लेगा, पैसे भी देगा उठा भी लेगा। एक प्लांट सिर्फ 47,000 एकड़ सिर्फ, क्योंकि पंजाब में 75,00,000 एकड़ में धान की बुआई होती है। तो एक से तो काम नहीं चलेगा, ऐसी हमें PCO कंपनियां चाहिए, पराली से बिजली बनाने वाली कंपनियां, पराली से CNG बनाने वाली कंपनियां, बहुत कुछ लेटेस्ट आ गया। हम आपसे ये वादा करते हैं अगले साल नवंबर में इसी हॉल में शायद हम किसी और एंगल से बैठेंगे कि हम उस समय तक इसका हल कर चुके होंगे। चाहे तो हमें पंजाब में इतनी फर्टाइल धरती है, कुछ भी बीज सकते हैं, बस MSP मिल जाए। चाहे तो हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है उसकी तरफ जाएंगे, फसलों की अदला बदली में। धान से किसान भी कह रहा है मैं धान नहीं उगाना चाहता, मेरा पानी नीचे जा रहा है धरती वाला। तो जिम्मेदारी लेते हुए बींग ए हेड ऑफ द स्टेट पंजाब, बहुत शहद किया, बहुत एफर्ट अभी भी जा रही हैं जितनी देर तक ये क्लियर नहीं होता, लेकिन उसके लिए कोई एक जिम्मेदार आदमी नहीं है, उसमें ये नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। और अगले साल तक हमने अभी से लग गए हैं कि अगले साल बहुत सा एरिया, बहुत, अभी मैंने 75,00,000 एकड़ बोला है, 35,00,000 एकड़ में पराली नहीं जलती, सिर्फ 40,00,000 एकड़ में जलती है। 40,00,000 एकड़ को भी हम कोशिश करेंगे कि कहीं और किसी और फसल का बदलाव हो जाए,
किसान को उतने ही पैसे जितना धान बीज कर एक एकड़ से उसकी कमाई होती है किसी और फसल से हो जाए, चाहे तो वो सरसों हो, चाहे बाजरा हो, सूरजमुखी हो, पॉपुलर हो, सब्जियां हो, लेकिन मार्केटिंग चाहिए। तो इसके लिए हमने अभी से काम शुरू कर दिया। तो मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि सेंटर सरकार को मिलकर बैठना चाहिए। ये नॉर्थ इंडिया का मुद्दा है, पूरे नॉर्थ इंडिया का मुद्दा है। जैसे कि सीएम साहब ने अभी शहरों के नाम गिनाए हैं, कुछ शहरों के नाम ऐसे हैं जो नहीं भी आए होंगे IQI में, AQI में, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में। सो मैं बतौर मुख्यमंत्री पंजाब आपको आश्वासन भी देता हूँ और जिम्मेदारी भी लेता हूँ कि जो पराली जल रही है उसका कोई ना कोई हमने एफर्ट्स बहुत किए, कमी भी रह गई होगी, बहुत सी हमारी योजनाएं सफल हुई, बहुत सी नहीं भी सफल हुई, लेकिन किसानों के साथ बैठकर, उनके जथेबंदियों के साथ बैठकर हम अगले साल के लिए प्लान कर रहे हैं। और इस साल और कम हो और कम हो, अभी हमने वो छोड़ा नहीं है कि हम छोड़ रहे हैं कि ऐसे ही जला दो या को पर्चे दर्ज की बात है। पर्चे दर्ज करने से किसी भी चीज़ का इंडेक्स नहीं पता चलता आपको। अगर पर्चे कम दर्ज करेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पराली कम जली है। अगर किसी ने कर पर्चे दर्ज नहीं किए इसका मतलब ये थोड़ी पराली जल गई, जब ज़्यादा पर्चे दर्ज के लिए इसका मतलब ये। तो मेरा मतलब ये है, किसान को ये भी ना लगे कि मैं अपराधी हूँ, किसान को अन्नदाता कहते हैं और अन्नदाता ही रखना है। ये जैसा अभी मान साहब ने कहा कि अभी भी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जो भी आने वाले दिनों में कदम उठाने की ज़रूरत है हम उठाएंगे। तो दिल्ली में कल से हम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस बंद कर रहे हैं जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। और ऑड इवन के ऊपर विचार चल रहा है कि ऑड इवन करने की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत होगी तो ऑड इवन को लागू किया जाएगा। आज सुबह मैं देख रहा था देश गुप्ता जी कह रहे थे कि वो एक दादा के नाते बोल रहे हैं और उनके उनका जो पोता है उसे दिक्कत हो रही है। मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूँ आदेश गुप्ता जी कि आपका पोता मेरा भी पोता है और भरोसा रखिए कि हम पूरी कोशिश करेंगे, मिलके कोशिश करेंगे कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उसके स्वास्थ्य से संबंधित, उसकी ज़िंदगी से संबंधित। अगर कोई क्वेश्चन हैं एक दो तो। नहीं देखो, दो प्रस्ताव हमने भेजे थे। एक तो था कि 1500 आप दे दो, 500 दिल्ली गवर्नमेंट से ले लेंगे, 500 हम दे देंगे, 2500 रुपये पर एकड़ अगर उसको मिल जाएगा, वो दिहाड़ी वगैरह पे उसका खर्च होगा 1000 के आसपास, वो पराली को एक जगह पे रख लेगा, निकाल के अपनी फसल वो गेहूँ की बीज देगा। लेकिन वो प्रस्ताव माना नहीं है। फिर हमने कहा कि बहुत सी कंपनियाँ ऐसी हैं जो पराली से बिजली बनाना चाहती हैं, बायोगैस बनाना चाहती हैं, उनके लिए फेडरल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें परमिशन चाहिए थी, वो भी इतनी जल्दी में हो नहीं पाई। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा कि चलो ये सीज़न हो गया तो अगला सीज़न तक तो कम से कम कर लें। तो हमारी तरफ से 120,000 हैप्पी सीडर्स बोलते हैं उसको, वो मशीनें चल रही हैं, मशीनों की अवेलेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम गुरुद्वारा साहब में भी अनाउंसमेंट करवाते हैं कि जिसको मशीन चाहिए इस गांव में मशीन, भाई 4 मशीन, 2 ट्रैक्टर हैं, अगर आपके पास अकेला ट्रैक्टर है मशीन नहीं है तो आप मशीन वहां से ले आएँ, अगर आपके पास ट्रैक्टर भी नहीं है तो ट्रैक्टर समेत भी मशीन मिलती है। तो हम एफर्ट्स में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। सेकेंडरी स्कूल 5वीं से ऊपर की क्लासेस की आउटडोर एक्टिविटीज़ बंद कर रहे हैं, स्पोर्ट्स और आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं वो नहीं अलाउड की जाएंगे। सर आप NCR की बात कर रहे थे, NCR नहीं पूरे नॉर्दर्न इंडिया की, हरियाणा में खास करके पूरा सोनीपत से लेके पानीपत करनाल तक दिल्ली जैसे हालात हैं, स्मॉग है, लेकिन वहां पे वो मेजर्स लेते हुए नहीं दिख रही है सरकार, चाहे वो स्मॉग गन्स हो या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए तमाम जो एहतियात दिल्ली में बरते जा रहे हैं। यू थिंक दैट देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर द सेंटर टू कॉल अ जॉइंट मीटिंग? मैं वही बार-बार कह रहा हूं
दो चीज़ों की ज़रूरत है। केंद्र सरकार अब पीछे नहीं रह सकती, केंद्र सरकार को इसका नेतृत्व करना पड़ेगा। केंद्र सरकार को बिहार तक प्रॉब्लम है, राजस्थान तक प्रॉब्लम है। राजस्थान के भिवाड़ी जिले में आज सीवियर कैटेगरी का पॉल्यूशन है, बिहार के मोतिहारी बेतिया कटिहार में वेरी पुअर कैटेगरी का पॉल्यूशन है। ये तो पंजाब की वजह से नहीं हो रहा ना, तो ये समस्या तो पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है, जिसके लिए केंद्र सरकार को सामने आके प्रदूषणों के कारणों के ऊपर काम करना पड़ेगा। और जहाँ प्रदूषण है वहाँ पे जो स्टेप्स दिल्ली सरकार उठा रही है, ये स्टेप्स पूरे देश में उठाने की ज़रूरत है। ज़रूर जॉइंट मीटिंग होनी चाहिए, एक्सपर्ट से गाइडेंस होनी चाहिए, हम लोगों को भी गाइडेंस मिले एक्सपर्ट से, उन सब चीज़ों की ज़रूरत है। पर एक ही चीज़ है कि मतलब मैं देख रहा हूँ रोज अखबारों के अंदर, केजरीवाल ने ये नहीं किया, केजरीवाल ने ये नहीं किया, केजरीवाल ने ये नहीं। अगर केजरीवाल को गालियाँ देने से अगर देश का प्रदूषण खत्म होता हो तो दे लो, प्रदूषण तो खत्म ही हो रहा ना केजरीवाल को गाली देने से, समाधान तो निकालना ही पड़ेगा ना, राजनीति से नहीं होगा, मिल बैठ के कंस्ट्रक्टिव अप्रोच करनी पड़ेगी। वो सारे कदम उठाएंगे, जैसा मैंने कहा कि हमें 6 महीने मिले, 6 महीने बहुत कम होते हैं, मतलब कुछ भी नहीं होते, इतनी बड़ी समस्या है उसमें भी, मतलब पहले कुछ महीने तो लॉ एंड ऑर्डर उसको सब चीज़ों को कंट्रोल करने में लगे, तो 1 साल और दीजिए, हमें 1 साल मांग रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है जिस तरह से दिल्ली से हमारी आम आदमी पार्टी की सरकारें काम करती हैं, अच्छी नीयत से, पढ़े लिखे लोग हैं हम, तो इसको भी समस्या का समाधान निकालेंगे। बेलर्स भी लेके आएंगे, हैप्पी सीडर भी लेके आएंगे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है वो भी करेंगे, सारी चीज़ों के ऊपर काम अभी पैरेलल ही चल रहा है। अगले साल में तो अगला सीजन ही होगा, अगले सीजन में आपको ये तकलीफ होनी, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि हम धान से किसानों को किसी और फसल की तरफ लेके जाएं, उसके लिए मार्केटिंग चाहिए, MSP चाहिए। हम बात कर रहे हैं, सेंटर के साथ भी बातचीत चल रही है कि क्योंकि राइस की कोई कमी नहीं है। मैं FCI की स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, FCI ये कह रही है कि हमारे पास राइस की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब जो राइस पैदा होता है वो तो FCI को उठाना पड़ता है, MSP पे उठाना पड़ता है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि ऐसी फसलें पंजाब में अगली बार आए ज़्यादातर जो जिनमें कम पानी खपत, मतलब पंजाब का नाम ही सिर्फ पानियों पर है, 5 आब 5 दरिया, पानी नहीं है ना तो ऊपर वाला ना ही नीचे वाला। एक किलो चावल पैदा करने के लिए 3800 लीटर पानी पंजाब खपत कर रहा है, 1 किलो चावल के लिए। तो हम देश को चावल नहीं दे रहे, हम देश को पानी दे रहे हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे, किसान खुद इस बात से सहमत है कि हमें किसी और फसल की तरफ ले जाओ, बशर्ते उन्हें उतना ही कमाई हो जितनी धान से MSP बेचकर। शिक्षा मंत्रालय ने देशभर के स्कूलों के लिए परफॉर्मेंस रेटिंग इंडेक्स लागू किया है, 2020-21 की रिपोर्ट है। दिल्ली के स्कूलों की स्थिति खराब बताई गई है, लेवल 2 भी क्रॉस नहीं कर पाए, और उसी दौरान पंजाब ने बेहतर परफॉर्म किया 2020-21 में, पूरे देश में तीसरे नंबर पर। आप सवाल ये है, जनता एजुकेशन मॉडल जनता से पूछ लो कि कहाँ के स्कूल अच्छे हैं और कहाँ के खराब हैं। मुझे नहीं पता ये कैसे बनाया इंडेक्स, इसकी डिटेल्स तो मनीष सिसोदिया जी बताएंगे, वो टेक्निकली सारी चीज़ों में समझ रखते हैं कि इसमें कैसे बनाया गया, क्या बनाया गया। लेकिन आप दिल्ली के लोगों से पूछ लो कि स्कूलों से खुश हो गया, और बाकी देश के लोगों से पूछ लो कि स्कूलों से खुश हो गया, आपको आपका जवाब है। और आप भी जानते हो, आप स्माइल कर रहे हो कि कौन सा स्कूल अच्छा है। ABP News, आपको रखे आगे।